द यूनिट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इन द टॉपिक इज योर रोड पेवमेंट। ठीक है, तो पेवमेंट की अगर हम बात करें, पेवमेंट आपको पता है कि इट इज़ डिफाइन एज अ रोड, इट इज़ एक्चुअली अ रोड, बट द नंबर ऑफ लेयर्स विच पेवमेंट हैज़ आर मोर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रोड की बात करूँ, रोड आपकी होती है सिंगल लेयर्ड, ठीक है, बट पेवमेंट कि अगर मैं बात करूं, एक इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रोड, ठीक है, आप यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, पर जो इसमें लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन पे आए, इसमें लिखा इट मे बी डिफाइन एज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक अर्थ, ग्रेवल, क्रस्ट रॉक, सीमेंट, बिटुमिन एक्सेट्रा। मतलब कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बना है काफ़ी सारे लेयर्स से। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं, जनरली 4 और 5 होती हैं। ठीक है, अब जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो आप इधर यूज़ करते हैं अर्थ, ठीक है, या फिर ग्रेवल, या फिर क्रस्ट रॉक, सीमेंट, बिटुमिन। ठीक है, इन सबको आप यूज़ करते हैं और आप इनको कॉम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, जो ट्रैफिक का जो लोड है, जो कि मूविंग व्हीकल या फिर उसके साथ अगर पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अगर ट्रांसपोर्टेशन गुड उस वो व्हीकल कैरी कर रहा है, तो ये सारा लोड आपका जो है वो आपका पेवमेंट कैरी करता है। ठीक है, अगर हम बेसिक फंक्शन की बात करें, रोड पेवमेंट क्या है, तो द बेसिक फंक्शन ऑफ रोड पेवमेंट इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द रोड सरफेस थ्रू अ वाइडर एरिया बिलो दी सब ग्रेड। इसका मतलब ये है कि रोड पेवमेंट का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि जितना भी लोड उसके ऊपर लग रहा है, उसको उस लोड को, उसके स्ट्रेसेस को वो क्या करता है, वो लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, ओवर अ वाइडर एरिया। तो जैसे जैसे देखो आप, फॉर एग्जाम्पल आप ये डायग्राम देखिए, डायग्राम में क्या है, तो डायग्राम में आपकी रोड पेवमेंट बनाई गई है। ठीक है, कैसे बनाई गई है, देखिए इसके सबसे नीचे आपका सब ग्रेड है, ठीक है, फिर उसके ऊपर आपका सब बेस है, फिर बेस है, और फिर क्या है, वियरिंग सरफेस जो कि नॉर्मली होती है बिटुमिन की। ठीक है, तो क्या है, जैसे ही इसमें लोड लगेगा, व्हीकल का लोड लगेगा, तो क्या होगा, वो जो लोड है, वो जो स्ट्रेसेस हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। पहले वो बेस में होगा डिस्ट्रीब्यूट, फिर आपका सब बेस में होगा, फिर आपका सब ग्रेड में होगा। बट आपको ये बात ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप लेयर्स में जाएंगे, यानी कि सब ग्रेड में सबसे नीचे जो लेयर है, तो सबसे ज़्यादा नीचे लेयर में क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपका जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ रोड पेवमेंट की अगर हम बात करें, तो रोड पेवमेंट के आपके दो टाइप्स हैं, एक है फ्लेक्सिबल पेवमेंट और एक है आपका रिजिड पेवमेंट। ठीक है, अब क्या इसमें, इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या होते हैं, ठीक है, कैसे फॉर्म होती है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। सिमिलरली हम पढ़ेंगे आपका रिजिड पेवमेंट के लिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट दोज पेवमेंट विच कैन रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस एंड दे हैव अ लोअर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एंड अ वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अंडर दी व्हील लोड आर टर्म्ड एज फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ठीक है, दे आर फ्लेक्सिबल इन देयर स्ट्रक्चरल बिहेवियर एंड रिफ्लेक्ट द सेटलमेंट और डिफॉर्मेशन ऑफ लोअर लेयर्स अपॉन दी टॉप सर्विस लेयर्स। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल पेवमेंट का पहले वो हमें नेचर बता रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि भैया ये ऐसा पेवमेंट है जो कि टेंसाइल स्ट्रेसेस रेजिस्ट कर लेता है, बट उसकी जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी लो है। ठीक है, तो एक्चुअली में इसका डिसएडवांटेज है कि इसकी जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ है वो कम होती है। ठीक है, अब इसमें वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। ठीक है, जब भी व्हील लोड इसमें एक्ट कर रहा है या फिर मूविंग व्हीकल, इसमें जब मूविंग व्हीकल का जो लोड है वो एक्ट करता है, तो उसको एक सर्टेन लिमिट तक ही ये रेजिस्ट करता है, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, किसकी, फ्लेक्सिबल पेवमेंट की। ठीक है, अब बता रहा है कि दे आर फ्लेक्सिबल इन देयर स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबल इन देयर स्ट्रक्चर मतलब ये है कि वो थोड़ा सा डिफॉर्म होगा। ठीक है, जो लेयर्स हैं, जब भी उन लेयर्स में स्ट्रेसेस लगेंगे तो क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा डिफॉर्म होगा। ठीक है,
क्या होता है कि अनरिफ्लेक्टिव सेटलमेंट और डिफॉर्मेशन। तो आप देख रहे हैं कि इसमें चार लेयर्स हैं, सॉइल सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स। ठीक है, पहले तो इसमें चार लेयर्स हैं, कौन कौन सी, सॉइल सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स। ठीक है, आप इसमें देखेंगे कि जब भी इसमें लोड लगेगा तो क्या होगा कि ये जो लेयर्स हैं इनमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। एग्जांपल क्या है फ्लेक्सिबल पेमेंट का, पहले हो गए अर्थ रोड्स हो गए, ठीक है, ग्रेवल रोड्स हो गए आपके, ग्रेवल एंड हुरम रोड्स हो गए, फिर है आपका WBM रोड्स। WBM आपका वाटर बाउंड मैकेडम होता है, क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, WBM रोड्स इंक्लूडिंग कंकड़ एंड लाइम स्टोन। ठीक है, फिर आपका ऑल टाइप ऑफ बिटुमिन्स और ब्लैक टॉप रोड्स। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, आपके एग्जांपल्स हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट के। ठीक है, अगर मैं रिजिड पेवमेंट की बात करूं तो रिजिड पेवमेंट आपका ऐसा पेवमेंट है, दीज आर द पेवमेंट व्हिच पोजेस हाई फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ। इसमें जो स्ट्रेंथ कैरिंग कैपेसिटी है वो फ्लेक्सिबल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एंड दे प्रोवाइड ग्रेटर रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। इस वजह से जब भी व्हील लोड लगता है तो डिफॉर्मेशन अगर हो तो उसको वो अच्छे से रेजिस्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसी पेवमेंट को आप कहते हैं कि आपका होता है रिजिड पेवमेंट। ठीक है, अब ये इसके एग्जाम्पल हैं रिजिड पेवमेंट के। प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड्स इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ रिजिड पेवमेंट। ठीक है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट रोड्स, ये भी एक एग्जांपल है। ठीक है, द सीमेंट कंक्रीट स्लैब विच कैन लेड डायरेक्टली ओवर दी वेल स्टेबलाइज सॉइल एंड कॉम्पैक्ट सॉइल सबग्रेड। तो ये आपके एग्जांपल हो गए आपके रिजिड पेवमेंट के। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट रोड क्या है कि जिसमें आपका सीमेंट प्लेन यानी कि आपने सीमेंट यूज़ किया। ठीक है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट रोड क्या, रीइंफोर्समेंट यानी कि मैं स्टील वायर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब या फिर द सीमेंट कंक्रीट स्लैब यानी कि आपने सीमेंट और आपने एग्रीगेट का जो मिक्सचर लेके अगर आपने स्लैब बनाई है वो भी आपका इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिजिड पेवमेंट। ठीक है, आप देखो इसमें डायग्राम में देखो, सबसे नीचे है आपका सॉइल सबग्रेड, उसके ऊपर है आपका बेस कोर्स, फिर है आपका सीमेंट कंक्रीट स्लैब। ठीक है, अगर मैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट के एडवांटेजेस की बात करूँ, फ्लेक्सिबल पेवमेंट आपको पता है कि आपका वो पेवमेंट है जिसमें आप आपकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो कम है और कम रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। देखिए क्या है, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज़ लो, तो जो इनिशियल कॉस्ट है फ्लेक्सिबल पेवमेंट की वो लो है। ठीक है, सेकेंड है दे कैन रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू सम एक्सटेंट, ये आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपका क्या है रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, फिर देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी जहाँ पे भी आपका पेवमेंट बना है तो क्या होगा कि अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे और उसकी वजह से जो आपकी पेवमेंट है उसमें क्रैक्स पड़ सकते हैं। तो इसमें टेम्परेचर का जो अफेक्ट है वो कम है। ठीक है, अब उसके बाद है कि जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये जॉइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट की ज़रूरत नहीं है आपके फ्लेक्सिबल पेवमेंट में। ठीक है, क्या होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट या आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, फिर है इसमें लेस और मॉडरेट स्किल और एंड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, इतना ज़्यादा स्किल सेट या फिर सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ये आपके सारे टाइप ऑफ ट्रैफिक के लिए सूटेबल है। ठीक है, दे कैन बी ओपन टू ट्रैफिक आफ्टर शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाइए, पहला है कि दीज आर इन्फीरियर टू कॉन्क्रीट रोड्स इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ। ठीक है, पहले ही आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि इसकी जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ है वो कम है, तो ये दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि दे आर लेस ड्यूरेबल। ठीक है, तो ज़्यादा समय तक ये जो पेवमेंट है ये नहीं टिकती है। ठीक है, ये लेस ड्यूरेबल। फिर है द थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो है इट इज़ मोर देन दे रिजिड पेवमेंट। आपने देखा था कि जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जो लेयर्स थी वो चार लेयर्स थी, यहाँ पे कितनी है, तीन लेयर्स हैं। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, लाइफ ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट ये आपकी स्मॉल है यानी कि कम है। ठीक है, अगर अ वेरी स्मूथ फ्लेक्सिबल पेवमेंट बिकम स्लिपरी
एन एक्शन एंड इट इज़ प्रोन टू एक्सीडेंट। ठीक है, जो अगर फ्लेक्सिबल पेवमेंट काफ़ी स्मूथ है तो वो क्या है, उसमें आपका स्लिप हो सकता है। ठीक है, अब अगर स्लिप हो सकता है, व्हीकल आपकी स्लिप हो सकती है, तो इट इज़ मोर प्रोन टू एक्सीडेंट। ठीक है, फिर आपके आइए एडवांटेजेस ऑफ रिजिड पेवमेंट। ठीक है, तो पहला एडवांटेज ये है कि कंक्रीट रोड्स हैं तो ये दे आर सुपीरियर। क्यों सुपीरियर है, क्योंकि इसमें हाई फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है। ठीक है, और ये एक अच्छा अमाउंट ऑफ लोड ले सकती है। ठीक है, सेकंड अगर बात करें इसकी, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी लो है। ठीक है, कंक्रीट पेवमेंट आर मोर ड्यूरेबल एंड हैव लॉन्ग लाइफ। अब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है, लाइफ भी ज़्यादा है। ठीक है, दे आर डस्टलेस, दे कैन बी लेड ऑन एनी सबग्रेड। तो किसी भी सबग्रेड में आपकी जो रिजिड पेवमेंट है ये बन जाती है। ठीक है, और दे डू नॉट डेवलप रट्स एंड कॉरुगेशन। ठीक है, रट्स क्या हो गए, होल्स हो गए, पॉटहोल्स हो गए, पॉटहोल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी है तो रटिंग नहीं होती है। ठीक है, दे हैव लो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, अगेन ये भी आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ पेमेंट इज़ लेस, क्योंकि आपने देखा था इसमें तीन ही लेयर्स होती हैं। डिसएडवांटेज क्या है, पहला ये है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई है। ठीक है, सेकेंड इट प्रोड्यूस हैवी स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, जब भी टेम्परेचर वेरिएशन होता है, टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसेस ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, थर्ड है द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज रोड्स रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर एंड सुपरविजन। ठीक है, अगर आपको ये जो रिजर्व पेमेंट अगर फॉर्म करनी है तो इट रिक्वायर्स अ हाई स्किल्ड लेबर एंड सुपरविजन।